सो गाइस आप सबको स्वागत है फिर से एक और बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। और गाइस जो अपना कावा की लाइफ का जो टाइटल है ना चैनल का, अब ये कब तक रहेगा मुझे नहीं पता है क्योंकि जो अपना कावा सी के ना शायद आज नहीं तो कल तक ये जा सकेगा क्योंकि मैंने ना ओलेक्स पे इसका ऐड डाला था और बहुत सारे लोगों ने आया इधर। लाइक बाइक तो ऑब्वियसली सबको पसंद आ रहा था लेकिन जो प्राइस के मामले में मुझे थोड़ा सा प्राइस नहीं मिल पा रहा था, तो एक आदमी आया हुआ अपना आदमी का लग भैया और प्राइस भी थोड़ा सा फिक्स तो फिक्स ही हो गया। लेकिन अभी फिलहाल अभी भी मैं सोच पे हूँ कि मैं इसको बेच दूँ या रखूँ, क्या करूँ मुझे कुछ आइडिया नहीं गाइस। और शायद ये वीडियो अपलोड होने से पहले शायद मेरा बाइक शायद जा चुका होगा, ऐसे भी हो सकता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बता दूँ एक शेयर, अगर ये बाइक मेरा सेल भी होता है ना तो गाइस आप लोग मुझे मत भूलना। हो सकता है थोड़ा सा कावासाकी का जो है ना टाइटल होगा ये गैपिंग हो सकता है, लेकिन मोटर ब्लॉगिंग आते रहेगा। और इन फ्यूचर में अब जब निंजा गया है तो कुछ सुपर बाइक तो आने वाला है, लेकिन शायद मेरे लिए थोड़ा सा टफ रहेगा शायद ये मूवमेंट में क्योंकि इसको मैं बहुत यहाँ पर आता था वीडियो का थोड़ा सा इमोशनल भी हो चुका हूँ यार गाइस। इस बाइक को ना काफ़ी देखो मेरा भाई ने लग मुझे गिफ्ट किया था और इसको मैंने सेल नहीं करूँगा सोचा क्योंकि अब मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है कि मैं इसको भी रखूँ अपना जावा भी अपना भैया का फिर से एक और बाइक ले लूँ। ये हमारे लिए जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना ये थोड़ा सा टफ रहता है मेंटेन करने क्योंकि देखो खर्चा काफ़ी आता है इसका भी। और क्या कहना गाइस, तो आज आ रहा है वो अपना जो है ना कस्टमर जो अपना वो निंजा देखने, तो उसको दिखाऊंगा अगर वो पसंद आता है, पसंद उसको आ चुका है पहले तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। चलिए फिर नीचे जाकर दिखाते हैं एक बार लास्ट अपने निंजा को। सो गाइस लास्ट टाइम आप लोग अपने बाइक को देख लो एक बार, अभी दोबारा ये अपना कावासाकी लाइफ में ये वाला बाइक नहीं होगा अब क्योंकि जो अपना प्राइस है अपना वो फिक्स हो चुका है और अभी अपना जो बायर वो भी आ चुके हैं। सो गाइस अपना ये जो बाइक है ना ये अभी एकदम लास्ट टाइम आप लोग देख लो, मैं भी देख रहा हूँ जी भर के क्योंकि इसके बाद अब ये नहीं मिलने वाला है मुझे और काफ़ी मुझे इसका मेमोरीज है ना वो आप लोग भी साथ में शेयर किए हैं। आराम से लो गाइस जो अपना बाइक है वो चला गया है और अभी मेरे पास कोई कावासाकी का बाइक नहीं है और अपने चैनल का नाम भी कावासाकी लाइफ में रखा है, लेकिन अब दूसरा कावासाकी का बाइक कब आएगा मुझे नहीं पता है क्योंकि अभी लाइक मार्च एंडिंग है, अप्रैल में ना अभी नहीं ले पाऊंगा तो फिलहाल अभी थोड़ा ऑफ सीजन में ना तो अभी हाल ही में ले नहीं पाऊंगा क्योंकि अब अगर मैं लेता भी हूँ तो कोई सुपर बाइक लूँगा क्योंकि देखो 300 ये 400 500 ना डायरेक्ट अब 4 सिलेंडर में स्विच करना मुझे क्योंकि मैंने सोच के रखा था और काफ़ी पैसा भी मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा इधर उधर से। सो देखते हैं क्या होगा, लेकिन गाइस अब क्या करना, बाइक तो बेच जाए, अब संडे वाला वीडियो आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता क्योंकि देखो बिना निंजा का राइड करना लाइक मज़ा नहीं आता। जावा है अपने पास लेकिन जावा ना लाइक राइड पे अपने दोस्तों के साथ लेके जाने मज़ा नहीं, वो बस सोलो राइड अगर हम लोग करते तो मज़ा आएगा लेकिन ग्रुप के साथ जावा लेके जाऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा मुझे। तभी भी देखते हैं अब क्या होगा कि नहीं, बस आपको अपडेट देना था आप सबको कि अब जो अपना ग्रीनी है ना वो नहीं है अपने पास। और फिलहाल अभी वही काम जो हेलमेट वाला ये हेलमेट है, अभी हेलमेट का ऑर्डर काफ़ी आ रहा है, कम से कम महीने में हम लोग 30 से 40 हेलमेट हम लोग डिलीवरी कर चुके हैं। सो अभी ये धंधा है अपना, तो देखते हैं अगर ये अच्छा से गया ना सक्सेस हुआ ना ये तो भाई फटाफट एक सुपर बाइक आ ही जाएगा, तब तक लेके देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं। तो फिलहाल चले अभी इसको ले जाएंगे कोल ऑफिस पे, इसका जो अपना कस्टमर का जो ऑर्डर है वो उसको दे देते और जो अपना ट्रैकिंग आई डी सेंड कर देते। सो चले फिर गाइस। सो गाइस ये सारा जो हेलमेट सब है ये अभी टोटल यहाँ पे अभी हमारा 7 पीस है और ये जा रहा है अभी तक DHL जो कि हमारा ब्लू डार्ट और ये जाएगा बाई एयर जाएगा ना भैया ये हाँ सारा ये बाई एयर जाएगा, कम से कम 3-4 दिन लगेगा और ना ये तो सब दो दिन में खत्म कर देता। तो फिर गाइस जो अपना जो जितने भी सारा हेलमेट था वो सारा आपने यहाँ पे दे दिया है ब्लू डार्ट पर और ये सब सारा जाएगा बाई एयर क्योंकि स्पीड पोस्ट जा रहा है, तो क्योंकि एक्चुअली ना हम लोग का जो मेन आइटम जो हेलमेट है वो सारा बॉर्डर थोड़ा टाइम लगता था और वहाँ से निकलने के बाद तो वही है, तो आज का ये जितना सारा ऑर्डर थोड़ा सा लेट हो गया था तो इसलिए मैंने सारा स्पीड पोस्ट कर दिया था। तो कम से कम यहाँ से आप 3 दिन में आप सबको पहुँच जाएगा जो भी अपना जिस हेलमेट ऑर्डर किया उनके लिए। तो अब चलते हैं घर की और बातें करते हैं क्या क्या करना है क्या नहीं। तो फिर कैसे हम पहुँच चुके घर पर और अपना जो सामान था जो हेलमेट से सारा हमने डिलीवर कर दिया और आज भी कुछ 4-5 हेलमेट आ चुके अपने शॉप पर। तो फिलहाल अभी देखो अपना जो बाइक है ना वो सोल्ड आउट हो चुका है और काफ़ी दुख भी हुआ ना, इंस्टा पे किसी को मैंने अब तक बताया भी नहीं है कुछ के डायरेक्ट मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ
और देखते हैं अभी कब तक ये अपना जो वेटिंग है ना, अब दूसरे बाइक के लिए वेटिंग करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी होली का सीजन आ रहा है थोड़ा सा मार्च अप्रैल में, थोड़ा सा एंडिंग में है ना, इस समय थोड़ा सा नया नया चीज़ लेना थोड़ा सा मुसीबत होगा मेरे लिए, क्योंकि इस समय हम लोग थोड़ा सा हिसाब किताब होता है। और फिलहाल मैं जा रही है थोड़ा खाना लेने, अब तक अच्छा कथा भी बना था ओनली सिटी सेंटर। सो फिलहाल हम लोग जाएंगे मरीना जो कि हम लोग घर के एकदम पास में है, तो बाइक तो सेल हो चुकी है, उसकी खुशी में हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। यहाँ पर भी है ट्रीट देने वाली और अपना आता। सो सॉरी फिर गाइस, आप सभी को लेके चल रहे हैं हमारा मरीना, क्योंकि हम लोग घर के एकदम बगल में ही है, काफ़ी अच्छा सा है। सो चलिए फिर पहुँच चुके हैं मरीना जो कि एकदम हमारे घर के ना करीब है, लाइक अगर हम लोग पैदल आते ना तो 10 कदम या 20 कदम, गाड़ी में तो भाई एक गियर मारा और पहुँच गए। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं और आपसे बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली जो बाइक है ना अपना निंजा सेल करने का रीज़न क्या रहा। तो चलिए फिर सो गाइस, खाना तो अपना कंप्लीट हो चुका है और आप सबसे एक चीज़ शेयर करना था। एक्चुअली ना मुझे ना अपना जो बाइक ना निंजा सेल वो सेल करने का एकदम ही मूड नहीं था, लेकिन ना अब देखो हमारे पास अब उतना पैसा भी नहीं कि जो जावा भी रख लें निंजा भी साथ में रख लें, और एक कोई जो अपना नेक्स्ट प्लानिंग जब ऑफिस ऑफ सुपर बाइक खरीदने का सबको मन होता है, इवन कोई भी बाइकर हो चाहे वो मिड क्लास फैमिली हो या हाई क्लास हो, एक अगर वो राइडर हो तो सुपर बाइक उसका एक सपना होता है। तो मैंने सोचा कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा कि निंजा रेंट भी रखूँगा, इधर जावा का मेंटेनेंस भी रहेगा और ऊपर से छोटा मोटा गाड़ी हमारे पास बहुत सारा है छोटा छोटा गाड़ी। तो मैंने सोचा कि अब निंजा को अब बेचना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो है ना ईयर भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, 2016 का मॉडल और अभी चल रहा है आपका 2023, यानी कि 6 साल, और उसके साथ तो अभी ये जुलाई के बाद वो 7 साल होने वाला था। और देखो गाड़ी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था मेरे पास, बाइक का कभी धोखा भी नहीं दिया मेरे को, ऐसा कोई मुझे ऐसा फील भी नहीं कि हाँ मुझे इसको बेचना ही है, मेरा बोझ बढ़ रहा, ऐसा कभी नहीं था। जब भी मैंने ये बाइक जो मैंने सेल करने का मैंने सोचा ना, तो मैंने इसको बहुत अपने माइंड में ठंडा दिमाग से सोचा कि अब क्या करना है। तो मैंने काफ़ी बार ओला इसमें एड भी डाला था और बीच में मेरा ऐसा मूड हो गया था कि मैं अब इस बाइक को सेल नहीं करूँगा, जितना ही पुराना इसको रख दूँगा, लेकिन ऐसा नहीं क्योंकि इन फ्यूचर मेरे को दूसरा बाइक लेना है, तो मुझे किसी ना किसी एक बाइक को तो यूज़ करना ही पड़ेगा, मुझे सेल करना पड़ेगा। और अपना जो जावा है वो एक्चुअली मेरा नहीं है, अपना भैया का है, तो उसका पसंद का चीज़ है वो, तो मुझे लगा कि अब मुझे निंजा भी हटना पड़ेगा। तो उसका जो प्राइस भी थोड़ा मुझे मैंने जैसे सोचा था एक्सपेक्ट किया था उसी टाइप का मुझे प्राइस ही मिला। सो जिस टाइम मुझे मिस परचेस करो कि नज़दीक का ही है, सामने का सालबड़ी का, सालबड़ी सैनिकपुरी समथिंग कहीं गए, तो मुझे लगा चलो मेरे अपने आँख के सामने भी रहेगा, कभी कभी देखूँगा उसको, अपना जो मेमोरीज है वो भी थोड़ा ताज़ा हो जाएगा। सो इसीलिए मैंने अपना जो बाइक है वो सेल कर दिया, और आने वाला बाइक कब आएगा मुझे भी नहीं पता है, कब ले रहा हूँ कब होगा, क्योंकि उतना हाथ में उतना मोटा मोटी पैसा अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है सुपर बाइक का प्राइस कम से कम अगर हम लोग सेकेंड हैंड में जाते हैं ना अच्छे कंडीशन में 7 लाख 8 लाख 9 लाख ये सभी पड़ने वाला है, और जो प्राइस मैंने अपने बाइक को सेल किया है उसमें कम से कम मुझे ना 70-60% पैसा और मुझे उसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ मैं अपना बाइक ले पाऊँगा। तो इसलिए मैंने अपना बाइक सेल कर दिया, और द रीज़न आप सबको पता ही है, इतना सारा पैसा नहीं है कि हर बाइक को पाल दे जाऊँ, और ये चीज़ आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो ये था गाइस, आप लोग एक फैमिली हो हमारे, यूट्यूब फैमिली हो, काफ़ी लोग ने अपने सपोर्ट दिया अपने कावासाकी के थ्रू, कभी लोग मुझे पहचानते भी हैं कावासाकी लाइव बोलने के बाद, किसी किसी के साथ मेरा अपना जो रियल नाम है ना लाखपा शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन कोई कावासाकी लाइव बोल के मुझे पहचानते, कोई शॉप पे आते हैं। और इन फ्यूचर में कोई बाइक भी लेता हूँ ना तो देखते हैं कुछ अच्छा ही लूँगा और आप सबको बताऊँगा जल्दी। तो ये चीज़ आप लोग को बताऊँगा अभी यहाँ पर आके आराम से खा के बता रहा हूँ, और देखते हैं अब कब होगा कहने थोड़ा, लेकिन ये चीज़ ना भले मेरे पास अब कावासाकी का बाइक नहीं है, लेकिन चैनल का नाम कावासाकी लाइफ अभी स्टिल है और रहेगा, और फ्यूचर में क्या होगा वो आपको अपडेट दे देंगे। सो चलो फिर गाइस, इस वीडियो में प्लान करते हैं, और छोटा सा ब्लॉग आपने देख लिया, और अभी फिलहाल मैं अपने आया हूँ अपने घर फैमिली टाइम जो अपने डिनर करने यहाँ पे। तो चलो फिर इस वीडियो में प्लान करते हैं और मिल रहेंगे आपसे कुछ छोटी मोटी वीडियो लाते हुए। सो यार गाइस, स्टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।